कमलनाथ को अच्छे से पता है कि मध्य प्रदेश के सीएम के पद पर उनके दिन गिनती के बचे हैं। 30 तारीख के बाद कभी भी उनकी सरकार गिर सकती है। दूसरी तरफ जब से राहुल गांधी के दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हारे, तभी से राहुल गांधी भी उनसे बेहद नाराज हैं। इसी वजह से कांग्रेस की समिति की बैठक में कमलनाथ नहीं आए, जबकि राजस्थान में पार्टी की दुकान बंद करवाने वाले गहलोत आए, लेकिन कमलनाथ ने दिल्ली का रुख नहीं किया। वो भोपाल में ही रहे और वहीं से नैतिक आधार पर अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। लेकिन ये राहुल गांधी की तरफ सिर्फ पेशकश है या फिर अपना इस्तीफा भी राहुल गांधी को भेजा है, ये नहीं बताया। असल में मध्य प्रदेश में जिस तरह से झूठ का कांग्रेस ने जाल बुना और फिर अपनी अल्पमत सरकार बनाई, इससे वहां की जनता ने पहले दिन से नापसंद कर दिया। अब लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अब तक की सबसे बड़ी जीत के बाद कमलनाथ की सरकार का अंत करीब दिखने लगा है। एक तरफ बीजेपी तो दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य और सबके बाद मायावती का खौफ। कमलनाथ तीन तरफ से घिरे हैं। राहुल गांधी सिर्फ इस बिना पर उनसे इस्तीफे की मांग नहीं कर सकते कि उन्होंने अपने बेटे को चुनाव जितवाने के लिए पूरी ताकत लगा दी और पूरे राज्य को ऐसे ही बीजेपी के हवाले कर दिया, क्योंकि खुद सोनिया गांधी अपने बेटे राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव नहीं जितवा पाई। अशोक गहलोत का भी हाल ऐसा ही हुआ। ये तो पूरे राजस्थान को छोड़कर जोधपुर में ही बैठे थे, 100 से ज्यादा सभाएं कर डाली, लेकिन बेटा आखिर में हार गया। बेटा तो हुड्डा का भी हारा, लेकिन कमलनाथ ने तो अपने बेटे को चुनाव जितवा दिया। इस हिसाब से वो सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसी पिता बन गए। लेकिन मामला यही है कि बेटे को जितवाने के बाद भी वो कार्य समिति की बैठक में नहीं आए। सवाल ये नहीं कि क्यों नहीं आए, सवाल ये है कि वाकई उनकी सरकार खतरे में है। नतीजों के पहले ही बीजेपी ने विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग करते हुए कहा था कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है। कमलनाथ के तो तब से ही हाथ पांव फूल गए थे और नतीजे आने के बाद तो उनकी हालत और ज्यादा खराब मानी जा रही है। इसीलिए कमलनाथ इस्तीफा दे या नहीं, उनकी सरकार बस कुछ दिन की मेहमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।